देखिए ये सरकार खाली घोषणा करने वाली सरकार है या समाचार पत्रों में वाही वाही लूटने वाली सरकार है, ये सरकार वास्तव में कोई काम नहीं करती। जब सभी अभ्यर्थियों का सत्यापन हो चुका है, उनके वेरिफिकेशन हो चुका है, तो दोबारा उसके सत्यापन और वेरिफिकेशन की आवश्यकता क्या है? ये तो नौजवानों के साथ में खिलवाड़ है। पहले एक नौजवान ने सीएम हाउस के सामने आत्मदाह किया, कल एक नौजवान अपनी पत्नी के साथ में आत्महत्या करने के लिए सीएम हाउस में और पहुंचा था। तो इसके बाद भी सरकार जागने को तैयार नहीं है, सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, सरकार सिर्फ राजनीति करने में लगी है। सरकार को ना छत्तीसगढ़ के किसानों की चिंता है, ना नौजवानों की चिंता है। छत्तीसगढ़ में बच्चियां और माता बहनें तो सुरक्षित है ही नहीं। एक मामला सामने आता है तो उसके साथ में थानेदार डटकर दूसरे मामले को भी रजिस्टर्ड कर लेता है। सूरजपुर जसपुर में मामला होता है तो उसको दबाने की कोशिश होती है, दो दो ढाई ढाई महीने तक मामले को रिपोर्टिंग नहीं की जाती है। तो छत्तीसगढ़ में शासन प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। कोई काम करने वाले अधिकारियों में भी कर्मचारियों में भी शासन का कोई भय नहीं है। जिसकी जो मर्जी है वैसा शासन छत्तीसगढ़ में चल रहा है। और ये इसी का परिणाम है कि ढाई ढाई महीने तक बच्चियों के साथ में सामूहिक बलात्कार होता है और उसको थानेदार रफा दफा कर देता है, ऊपर तक कोई रिपोर्टिंग नहीं करता। और आज भी शासन इस मामले में जागने को तैयार नहीं है और विपक्षी दलों को आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। ऐसा पुनिया जी क्या कहते हैं उससे हमको बहुत मतलब नहीं है, वो तो कांग्रेस की भाषा बोलेंगे। परंतु वास्तव में वो ये बताएं कि पुरानी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें कहाँ परिवर्तन हुआ है। MSP पर जो कृषि उपज है वो खरीदी जाएगी, मंडियाँ एजिटीज होंगी। अगर नई व्यवस्था आ रही है और नई व्यवस्थाओं से किसानों को फायदा होगा तो उसमें किसी को क्या दिक्कत है? क्या किसानों को आप कूप मंडूप बना के रखना चाहते हैं, उनको नई व्यवस्थाओं में आप शामिल नहीं होने देना चाहते? अगर किसानों को नई व्यवस्था पसंद नहीं आएगी तो वो मंडियों में अपने माल बेचेंगे, वो सोसाइटियों में। और मैं तो छत्तीसगढ़ की सरकार से, जरा पुनिया जी छत्तीसगढ़ में मंडियाँ कहाँ हैं? छत्तीसगढ़ की तो मंडियाँ बंद पड़ी हैं, छत्तीसगढ़ में तो सोसाइटियों में धान खरीदा जा रहा है। अगर आपको इतना ही ज़्यादा प्रेम है तो जरा सोसाइटियों को बंद करके मंडियों में धान खरीदना शुरू करो। डॉक्टर गंभीर सिंह को प्रत्याशी बनाया है उपचुनाव में, आप क्या तस्वीर रहेगी? निश्चित रूप से डॉक्टर गंभीर सिंह वहाँ पर जो अनुसूचित जनजाति का बाहुल्य है, उस बाहुल्य समाज से आते हैं और एक पढ़े लिखे डॉक्टर हैं। और मुझे लगता है कि इसके माध्यम से वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देगी और भारतीय जनता पार्टी जीत कराएगी।